अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है बहुत सारी चीज़ें एजेंडा में, लेकिन सबसे पहले तो 1 सितंबर हो गया है और अली का बर्थडे मंथ शुरू हो चुका है एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ जो कि मैं ऑब्वियसली यहाँ नहीं बता सकती। आप लोगों को रुक के ही देखना पड़ेगा क्योंकि अगर उसने देख लिया तो मेरा सारा सरप्राइज़ फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अली को जो है अली के बर्थडे प्लान्स के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज जो है हमारा ब्लिसफुल के लिए फ़ोटोशूट है जिसमें मॉडल मैं खुद कर रही हूँ एंड मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि पहली दफ़ा मैं इस तरह का कोई शूट करा रही हूँ और मुझे वैसी बड़ी वो नर्वसनेस होती है तस्वीरें खिंचवाते हुए प्रोफेशनली। तो वो जो है 4 बजे है, आज जुम्मा भी है और आज मुझे रात में एक रेस्टोरेंट है E11 में बंस के नाम से, वहाँ टेस्टिंग के लिए भी बुलाया है तो मुझे वहाँ भी जाना है। मेरा जैनब के साथ प्लान था उसके ऑफिस के पास जाने का, बट उसकी मीटिंग शायद थोड़ी लेट हो गई तो आई थिंक दैट वो कैंसिल हो जाएगा। बट अभी तो ये है एजेंडा में। और मैं अली को ना सुबह से उठा उठा के बोल रही हूँ, इट्स योर बर्थडे मंथ, इट्स योर बर्थडे मंथ, शदीद अनॉय हुआ। जी जी छोटी सी बिन्नी, छोटी सी इन्नी बिन्नी, हाय हाय, तुम देखो ज़रा इसकी। हाँ भाई, हस्बैंड जी जो है वो टाइम पे उठते नहीं है और फिर ऐसे भागते हैं जुम्मे के लिए आधे बटन खुले हुए हैं कुर्ते के। भुट्टा ले गए हैं, भुट्टा। और अम्मा को ना मेरा मसाला पसंद आ गया, तहीन। अम्मा भुट्टे पे भी तहीन लगा रही हैं। टजिन नहीं होता? वहाँ पे भी लगाया, खत्म कर दिया। नहीं कहाँ पे? बलोची टिक्का कढ़ाई। नहीं नहीं खैर अम्मा, मजे की इतनी बनी थी वो, आप 4 दफा लगाए मसाला। मैंने थोड़ा सा ये भी चोरी किया था। मुझे भी लगा दें। चलिए जी, मैंने नहा लिया है। ये शर्ट मैंने खाड़ी से ली थी 30% ऑफ पे, आई थिंक 1800 की थी। साथ में द यूनिवर्सल चप्पल ऑफ बाथरूम चप्पल ऑफ पाकिस्तान। अब ज़रा शूट के लिए जो है आई एम ओनली गोइंग टू वेयर सम सनस्क्रीन एंड सम लिप एंड चीक टिंट एंड दैट्स अबाउट इट, बिकॉज मैं जो हूँ बहुत ही एक बेयर फेस नेचुरल लुक चाह रही हूँ एंड आई डोंट वॉन्ट अ मेकअप लुक, ताकि प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर फोकस जाए मेरे मुँह पर नहीं। हम लोग शुरू करते हैं थोड़े से मॉइस्चराइज़र से। ये जो है ब्लिसफुल का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र है। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, हमने पेस्टल किया था, थोड़ा नियॉन हो गया है, बट पैकेजिंग को जो है चेंज करने में 2 महीने लग रहे थे, सो वी जस्ट डिसाइडेड टू गो विद दिस वन फॉर द फर्स्ट बैच। और फिर हम लोग जो है सेकेंड साइकिल में जो है इसको रेक्टिफाई करा लेंगे, बिकॉज अंदर का प्रोडक्ट जो है वो तो वैसा ही है, बस कलर जो है वो थोड़ा सा कलर कोड जो है वो मैसअप हो गया एंड इस वजह से जो है थोड़ी कलर में डिस्क्रेपेंसी आ गई। तो ये जो है हमारा बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र है, इसमें सेरामाइड्स हैं, इसमें एलो एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है, शिया बटर है, पैंथेनॉल है। सो इट्स वेरी 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 सारे जो आपके बैरियर, स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करने वाले प्रोडक्ट्स हैं ना वो हैं, ठीक है। एंड इट्स परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ये जो है हमने अच्छा सा मसाज कर लिया है और अब जो है हम लोग 2 मिनट वेट करेंगे और फिर हम लोग जो है सनस्क्रीन लगाएंगे। टाइम फॉर सनस्क्रीन, 2 फिंगर लेंथ एज ऑलवेज। सनस्क्रीन भी हो गई है, अब हम लोग बस थोड़ा सा टेंट लगाएंगे एंड चीक पे एंड लिप्स पे एंड वी आर डन। अच्छा जी, सो दिस इज़ द टेंट आई एम यूजिंग। ये बेनिफिट का जो है बेने टेंट है और ये मुझे लगता है जैसे ये सबसे ज़्यादा लाइट, बिल्कुल पानी की तरह और लाइट वेट और सबसे नेचुरल लुक देता है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई अ वेरी लिटिल अमाउंट
दिस इज़ आर लुक फॉर टुडे। बालों के लिए जो है मम्मा ने बोला है चपटा हुआ मैंने जूड़ा बनाना है। अभी तो मेरे बाल गीले हैं, इनको ड्राई करके मैं जूड़ा बनाती हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बट दिस इज़ ऑल। चले जी, ये मेरा चपटा हुआ जूड़ा जो है वो तैयार है और मैं रेडी हो गई हूँ शूट के लिए। एंड अगेन बहुत नर्वस हो रही हूँ मैं, नर्वस, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऑल विल गो वेल। भाई हमारा फोटोशूट शुरू हो गया है, हमने सोचा था इंडोर करेंगे लेकिन ये हम लोग खेत में आ गए, और ये हमारे फोटोग्राफर हैं मुआज आसिम। ये हमारा इंडोर हो रहा है यार, आउटडोर है। अरे आउटडोर भी आप लोगों को दिखाएंगे कैसी तस्वीरें आती हैं, ज़रा होपफुल तो मैं बहुत हूँ, लग तो बड़ी अच्छी रही है, प्रॉमिसिंग। चीक्स पे लगेगा डायरेक्टली, हाँ, लाइक ड्रॉप्स वगैरह। इस साइड ना मुझे थोड़ा धूल लगाना पड़ेगा, ये आप बस लगा के छोड़ दो। यार मेरे पास भी सेम कैमरा, मेरे से दोनों पीस। जी काफी चल गई, हां ये बहुत अच्छा है, दिखाया है ये मौज ने यार, तस्वीरें ली हैं बड़ी ही कुछ। अच्छा ये अम्मा जो है अपनी भिंडी की रेसिपी बता रही हैं। ये है सालन मसाला, ये आम मिलता है सालन मसाला, हाँ बस ये थोड़ा सा हर जगह मिलता है, शान का भी मिलता है, ये वैसे पेशावर का है। तो ये थोड़ा सा डाला था इसमें नमक वगैरह, फ्लेवर अच्छा है तो इसलिए थोड़ा सा एक टेबल स्पून ये डाल दिया है, और एक टी स्पून ये लाल मिर्च हम डालेंगे। सही है, ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें क्योंकि किसी को ज़्यादा पसंद होती है किसी को कम। और ये धनिया भी ठीक, ये डेढ़ टेबल टी स्पून, ठीक है ये डाल दिया। और अब नमक, बस नमक दे अपनी मर्जी के हिसाब से नमक आप शामिल करें, ये कर दिया। और अब थोड़ा सा इसको कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, आप चाहें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ये मैं अंदाजे से ही डालती हूँ, तकरीबन दो टेबल स्पून तो डालूंगी। थोड़ा सा ऐसे पानी लेके ना हल्का 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 ऐसे करते जाएं ताकि इसके ऊपर ये कोटिंग इसकी हो जाए। ज़्यादा नहीं पानी डालना है, एक या दो टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इसकी कोटिंग सी हो जाए बस। अगर आपको लगे कि मैदा क्या है कॉर्नफ्लोर कम है तो आप एक टेबलस्पून और डाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लग रहा है मुझे। फिर अगर ज़्यादा कोटिंग कर देते हैं तो वो कोटिंग सही पकती नहीं है और वो बड़ा अजीब सा हो जाता है, मोटा मोटा सा, और वो क्रिस्पी नहीं होती है, तो बस इतनी काफ़ी है। अब बस इसका जो आपने डाइट वर्जन बनाना है इसमें थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे करके एयर फ्राई कर लेना है। हाँ। जो प्रॉपर रेसिपी है ना बेसन वाली वो आप प्रॉपर अपने चैनल पे लगाइएगा, बहुत लोग मांग रहे हैं, सही है ना? ठीक है, ठीक है ना, सही। हम लोग जो है शूट करा के अब अली हमजा का जो ये रैप बनाया मैंने, अम्मा अपनी वीडियो बनाने के लिए तैयार हो रही है। चले जी, ये आपका सर जी आपका रैप तैयार है, गार्लिक चिकन रैप। थैंक्स। ये जो है साहब,
मेरे लिए पानी। ओह द स्टैनली मैचेस यू है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल। कहाँ से आया था ये लिए? तुमने भी कल इसे शर्ट मुझे ना? मुझे इस तरह के तीन, एक मम्मा ने दिया था, एक अम्मा ने और एक तुमने। ये वाला मैंने दिया था, अम्मा ने नेवी ब्लू दिया था, मम्मा ने खाकी दिया था। गाइज मम्मा ना अपना पान का सामान छोड़ गई और हमारे घर पे तबाही हो रही है। ये देखो ये ना पान का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये भी थी। और ये पान के पत्ते पान और पता नहीं क्या क्या। अम्मा ना खजाना, मम्मा ने अच्छा नहीं किया, छालिया और पता नहीं क्या, तंबाकू तो नहीं डालती अम्मा, लेकिन फिर भी यार मतलब पान एडिक्ट बनने वाली अम्मा। तुम क्या खा रही? इमली भी अच्छा, थोड़ी मुझे भी। अच्छी यार अम्मा की पीछे बात आ रही, सोंधी सोंधी खुशबू आती है। कौन सी इमली है? मैंने फिर सोन आई सिनेमन बाइट विद ग्राउंड चिली, ऑथेंटिक मैक्सिकन कैंडी। इमली है ना अभिषेक, महंगी इमली समझी करके ना। तो भी बात बताएंगे तुम्हें क्या 1500 की नहीं थी पे? कितने की थी बताओ ना। चार पापड़ी डालिए अम्मा, छोटी इलायची अम्मा, पता है कितने की है? 1500 4000 की है निया, तुमने झूठ बोला था। 1500 हम तो 1500 भी चीख रहे थे। कसम से यार चीखना मजा आ रहा है ना खाने का। तो बस तो 4000 लाइक नहीं है ना? है कोई नहीं, मतलब मैं 100 रुपए कितनी ज्यादा इमली ला दूं। अम्मा वैसे मैं खा रही हूँ, हम खुद बनाने की कोशिश करें ऐसे। इंग्रेडिएंट तो लिखा है निगज किचन पे, इसकी रेसिपी भी चली जाएगी। इमली, चीनी, नमक, मिर्चें, बस। देखते हैं पूरा पैकेट लेके जाने को क्या? नहीं मुझे कॉल नहीं। गाइस फाइनली आप लोगों को अभी हम लोग का जिम फेस दिखा दिया मैंने। आप लोगों को बताया था हमको एक रेस्टोरेंट टेस्टिंग के लिए जाना है और हम लोग आ गए हैं बंस, जिसमें लिटरली ये लिखा हुआ है दिस इज़ अ बैड प्लेस फॉर डाइट। एंड ये आते ही पूछ रहा है कि ग्रिल्ड कौन सा है। सो वी ऑर्डर्ड 3 burgers, एक जो है हम लोगों ने तीनों चिकन बेस्ड ऑर्डर किया ना हमने, मैंने प्लेन जेन ऑर्डर किया है, आपने कोई कौन सा, व्हाट वाज योर्स? स्क्वाड बर्गर, नाम नहीं है, स्क्वाड बर्गर एंड फ्रैंकन चिकन 3। यार आई एम अ बेबी, मेरी बीवी और मेरी अम्मा मेरे लिए ऑर्डर करती हैं, मैं बोलता हूँ मेरे से ऑर्डर नहीं होता भाई, जो अच्छा ऑर्डर कर दो। गाइस हमारा खाना आ गया है एंड इट लुक्स डिवाइन, दीज फ्राइज आर एवरीथिंग, इतने मज़े के हैं। ये जो है आई थिंक फ्रैंकन चिकन है, वो स्क्वाड बर्गर है, मेरा प्लेन जेन है, वेरी क्लोज टू जिंगर। शुक्र है डैड ने सुबह सिट्टा खिला दिया था, कैलोरीज बच गई। चलें ट्राई करते हैं। मुझे उस टाइम पे डैडी मेरे बोलते थे कि हम 11 में यहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं, यहाँ पे घर बना लेते हैं। चलिए जी गाइज हम लोग फारिग हो गए खाना वाना खा के, द बर्गर्स वर सो यमी। मैंने प्लेन जेन खाया था और मुझे तो अपना बहुत ही मज़े का लगा, आई वुड डेफिनेटली गो बैक फॉर इट। मेरे जो है सामने एक कपल बैठ के विंग्स खा रहा था, बोनलेस विंग्स, और उन पर मेरी बड़ी नज़र थी बिकॉज़ आई लव विंग्स, लेकिन मैंने जो है इसलिए ज़रा कंट्रोल किया क्योंकि आज बस इतनी मैंने लेवरेज दी थी अपने आप को डाइट के हवाले से। तो बट द फूड वॉज रियली रियली नाइस, आमना द ओनर वॉज अ सुपर डुपर स्वीट हार्ट, तो हमें तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद जो है हम लोग ज़रा शीरिया आंटी के पास बैठे और उनसे बहुत अच्छी मज़े की गपशप रही हमारी, और अब जो है हम लोग अम्मा और हमना को पिक करने जा रहे हैं उनकी दोस्त के घर से, एंड देन वी गोना गो होम। सुबह में जो है मेरा शिफा में एक कोर्स है 2 दिन का और कल पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, एंड आई विल बी एट माई कोर्स वेन द मैच स्टार्ट, और सेकेंड हाफ जो है हम लोग देखने जा रहे हैं कहीं पर। तो ये जो कोर्स है उस मैंने थोड़ी सी इसके बारे में इंस्टाग्राम पे बात की थी, इट्स कॉल्ड द एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट कोर्स, और ये जो है एक बहुत अच्छा अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन वाला होता है, ये बहुत एक अच्छा एड ऑन होता है ऑन योर CV व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग। हालांकि ये वाला UK में एक्सेप्टेड नहीं होता, बट स्टिल इट लुक्स गुड ऑन योर CV। वहाँ जाके आपको करना पड़ता है उनका ALS, बट इट्स स्टिल लाइक व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स, तो एक अच्छा
डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होता है दूसरे लोगों से एंड आपकी थोड़ी सी डेडिकेशन दिखाता है टूवर्ड्स मेडिसिन. तो मैं जो हूँ अभी एक पहले कर चुकी थी वो क्लिनिकल स्किल्स का कोर्स था, फिर बीच में मेरा BTLS और PALS था, बेसिक ट्रामा लाइफ सपोर्ट और पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट, बट तब मम्मा आ गई थी तो वो उन दोनों पर मैं नहीं जा सकी. तो आई रीस्केड्यूल दोज फॉर एंड ऑफ सेप्टेम्बर और अभी कल और परसों जो है मेरा ACLS है तो वो करते हैं. और थोड़ा सा अगर मैं दिखा सकी हुई ग्लिम्स एंड बिट्स एंड पीसेस तो आप लोगों को दिखाऊंगी. और सुबह बड़ी जल्दी उठना है, अभी से ही 2 बज गए ऑलमोस्ट, मैं ड्रेड कर रही हूँ सुबह उठना. गाइस घर आ गए हैं और ब्लिसफुल ब्यूटी से हमने अपनी PM स्किन केयर कर ली. आज हमारा रेटिनॉल नाइट था तो हम लोगों ने जो है बस क्लेंस करके अपने हाइड्रेटिंग क्लेंजर से रेटिनॉल सीरम लगाया है और बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर लगाया है एंड दैट्स अबाउट इट. थोड़ा सा लिप ऑयल लगाया है मैंने और अब जो है मैं थोड़ा सा गेट फिट का काम कर रही हूँ. सबसे पहले तो अपनी ही मामा का मैंने मील प्लान बना के भेजना था क्योंकि उन्होंने डाइट शुरू करनी है तो वो बना रही हूँ. और फिर मैं सोती हूँ. आई हैव नो आइडिया हाउ आई एम गोइंग टू गेट थ्रू टुमारो. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग लॉन्ग डे पर चलें, अल्लाह ताला हिम्मत देगा. ये जो है भाई मेरी मामा का प्लान जो है वो बन रहा है. तो उनको जो है शूट पे ज़रा मैकडोनल्ड्स चाहिए होता है. तो खैर आलू गोश्त भी जो है हमारे घर में बड़ा ज़रूरी है डालना, तो आलू गोश्त भी डाला है हमने. खैर ये भेजते हैं उनको. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं जो हूँ उठ के नहा के तैयार हो गई हूँ. अभी 9 बज रहे हैं और 9:45 तक मुझे निकलना है, 10 o'clock मुझे पहुँचना है. तो अभी बस मैं जल्दी से कॉफ़ी बना के कॉफ़ी पीती हूँ और फिर उसके बाद जो निकलती हूँ. आउटफिट जो है मैंने खाटी के 2 मैचिंग जो वो सेपरेट्स हैं वो पहने हुए, मैं आप लोगों को फुल वो दिखाती हूँ, मैंने उस दिन लिया था. और बस जल्दी से कॉफ़ी पी के निकलते हैं. ये जो है मेरा आउटफिट है, ठीक है. और मम्मा जो है कुछ ज़्यादा ही नीडी हुई हैं. जी 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 एनर्जी में की कॉफ़ी तैयार है. अब मैं ज़रा जल्दी से अपने बाल सुखाऊँ और फिर निकलती हूँ. हम निकलते हैं, ज़रा नमाज की चादर बैग में डालें, आईपैड जो है वो बैग में डालें एंड लेट्स गो. चलिए जी मैं आ गई हूँ शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन और अब चलते हैं. इंशाल्लाह अच्छा सा गुजरे कोर्स. अभी जो है 10 बज रहे हैं और 4 बजे तक ये चलेगा. बीच में नमाज ब्रेक होती है आई थिंक 45 मिनट घंटे की. तो चलिए जी चलते हैं. इसमें शिफा से पारे भी थे, इनको पिक करके हम लोग स्क्रीनिंग पे आ गए हैं. एंड अभी स्पेकुलेशन ये है कि 2 ओवर में फिर से मैच रुकने वाला है, बारिश होने वाली है. लेट्स सी लेट्स सी. चलें जी गाइस, मैच तो हम लोगों ने पहली इनिंग्स देख ली. आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द स्कोर बट एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था 300 तक जाएगा तो उससे तो कंपैरेटिवली खुशी हो ही रही है. अब अल्लाह करे हमारे 2-3 बैट्समैन की जो है पार्टनरशिप ज़रा टिक जाए इंशाल्लाह ज़रा अच्छा खेल लें. यहाँ पर जो ना बड़ी चेयर्स अनकम्फर्टेबल थी, सोचा तो मैंने था सारा मैच साथ लाइक इधर ही देखूंगी बट मेरी टांगों में बड़ा दर्द शुरू हो गया था. चेयर्स वर वेरी अनकम्फर्टेबल. तो मैंने सोचा सर आपने शादी वाली वेल्डिंग वाली नहीं होती वो वेल्ड लोहे की कुर्सियां, वो लोहे की उसके ऊपर एक हल्की इतना सा ना एक कपड़ा टाइप लगा हुआ था. सो बेसिकली इंतहाई अनकम्फर्टेबल. निजाम बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा अरेंज था, व्यू बहुत अच्छा था, स्क्रीन बहुत अच्छी थी, आवाज बहुत अच्छी थी. आवाज कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, कान के पर्दे फाड़ दिए. नहीं वो तो सिर्फ बीच में गाने जब चले, माहौल बड़ा जबरदस्त था. और अभी सेकंड इनिंग्स में तो और भी ज्यादा जबरदस्त होता बट बस ये है कि सीटिंग जो है वो इतनी कम्फर्टेबल नहीं थी. तो इवन दो घर पे कोई इतना माहौल अच्छा नहीं होगा आई एम श्योर लाइक चीखम चाखी नहीं होगी. पता नहीं अगर अम्मा और हमना को बिठा के दिखाएंगे तो फिर ड्रामा देख लेते हैं क्या. इंडिया के साथ मैच है, चलो लगाओ ना. ओके चलो फिर हम लाउंज में देख लेंगे सब साथ में. और अभी मैं जरा जब तक नहीं पहुंचा तब तक बाकी का मैच देखू फोन पे. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 और डे 3 ऑफ दिस व्लॉग. याद नहीं मुझे. मैं जो हूँ कल मैच का शुरू होने का इंतजार करते करते सो गई थी बट मैच कभी शुरू ही नहीं हुआ तो हेंस मैं वैसे ही बिल्कुल
कपड़े शपड़े नाइट सूट वगैरह भी नहीं पहना, ऐसी सो गई। अभी मैं उठी हूँ और अभी कोई 6:30 बज रहे हैं सुबह के, बिकॉज मेरा आज एग्ज़ाम है कोर्स का, और वाइवा भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो मुझे पढ़ना था और मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी, बिकॉज पूरा दिन मैच देख रही थी ना, स्लीपी उसके बाद। तो अभी जो है मैं आई हूँ, अपना आईपैड गाड़ी में भूल गई थी, वो लेने के लिए आई हूँ, आई एम गोना स्टडी फॉर अ वाइल। 10 बजे मुझे वहाँ पहुँचना था, तब तक मेरे पास टाइम है। आईपैड और मेरी गाड़ी का कलर मैचिंग मैचिंग है। ये भी मैंने अली को सोने से पहले बोला था कि निकाल देना प्लीज़, बट मुझे इफ़ नॉट 100% तो 90% तो शुरू था कि वो भूल जाएगा। सो जी मेरी कॉफ़ी तो तैयार है, अब ज़रा पढ़ाई करते हैं पढ़ाई। ऑल्सो गाइज, हमारे वेरी बिजी स्केड्यूल में ऐड करने के लिए माशाल्लाह से हमें आज लाहौर भी जाना है, तो मुझे जाने से पहले पैकिंग भी करनी था, अकेली मुझे डायरेक्ट शिफा से पिक करके हम लोग निकल जाएं मोटरवे पे। बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा सब, बट चले अल्लाह ताला मदद करने वाला है। गाइज, पढ़ाई जो है वो ज़ोरों पर चल रही थी और 8:20 हो रहे हैं, ऐसा मेरा जो है ना ब्रेन शट डाउन हो रहा है अब, बिकॉज मेरा जो अटेंशन स्पैन है ना वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़रा मुँह हाथ धो के चेंज वेंज करके फिर वापस बाकी पढ़ने के लिए बैठती हूँ, थोड़ी सी पैकिंग भी कर लेते हैं। चलो, ये सूटकेस तो थैंकफुली सामने ही पड़ा हुआ है, ज़रा कपड़े शपड़े निकाल लेते हैं। अभी पहनने के लिए जो है नम 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 तो नीचे भी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। ये पहन लेते हैं। चले जी, सबसे पहले तो लेट्स ब्रश आवर टीथ। एक आप लोगों को जो है मैं प्रो टिप देती चलूँ फॉर पीपल विद एक्ने एंड जस्ट पीपल इन जनरल, एक रूल ऑफ थम ये है कि अगर तो आपको इस जगह पे एक्ने होती है, ठीक है, तो आप असेस करें कि आप ऑलवेज ब्रश योर टीथ बिफोर यू वॉश योर फेस, ठीक है, क्योंकि जब आप दांत ब्रश करते हैं तो सारा बैक्टीरिया आपके मुंह का और वो सब जो है वो यहाँ लग जाता है, एंड अगर आप मुंह धोने के बाद करें तो वो रह जाता है वहाँ पे, विच कैन गिव यू एक्ने। तो हमेशा अपने पहले दांत ब्रश करें एंड देन वॉश योर फेस। जी ब्रश हो गए, अब ज़रा ब्लिसफुल के क्लेंजर से मुंह धो लेते हैं। ये जो है हमारा हाइड्रेटिंग क्लेंजर है, सारी स्किन टाइप्स के लिए जो है बहुत अच्छा है, और हम लोगों ने 100 ml बनाया है, बट यू लिटरली जस्ट नीड इतना अमाउंट, और अभी आप देखिएगा ये पूरे मुंह पे किस तरीके से इनफ होता है, ठीक है। तो दिस कैन लास्ट यू अ वेरी लॉन्ग टाइम ईजिली, और बहुत लोग जो हैं पूछ रहे थे कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं, बहुत जल्द बहुत जल्द, वी आर वेरी क्लोज नाउ। आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा जो है और रख लें। चलिए जी गाइस, मुंह धुल गया है, अब ज़रा सनस्क्रीन और बहुत ही लाइट सा मेकअप करते हैं, क्विक सा गेट रेडी विद मी करते हैं। सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट, क्योंकि सनस्क्रीन भी जो है वो हाइड्रेटिंग होती है थोड़ी बहुत। ठीक है जी, मॉइस्चराइज़र हो गया, अब हम लोग लगाएंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हो गई, अब हम लोग उसको थोड़ा सा सेट होने देते हैं, फिर हम लोग अपना ब्लश ऑन लगाते हैं। लोग लगा रहे हैं रेयर ब्यूटी का शेड ग्रेटफुल, ये एक बहुत रेड सा शेड है और बहुत ही शदीद पिगमेंटेड है, तो वी आर गोना यूज द टाइनीस्ट अमाउंट। नाक पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं।
ये जी ये हमारे चीक एंड लिप्स हो गए। अब हम लोग लगाते हैं मस्कारा। मस्कारा जो है ये बॉब का मस्कारा है, मैंने नाहिद से लिया था एंड मेरे पास इतने मस्कारा है बट आई जस्ट मुझे बहुत पसंद है और ये इतना सस्ता है, 500-400 जब मैंने लिया था तब तो 300 रुपये का था, अब मैंने देखा था दराज शराज पे जो है 400-500 का मिलता है। तो बस थोड़ा सा पाउडर लगा लेंगे, ये जिवांशे का जो है प्रिज्म लिब्री पाउडर है जो कि मुझे बड़ा पसंद है। एंड यस मैं जो पाउडर लगाऊँ बाद लगाती हूँ और सबसे एंड में लगाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। इसको जो है हम लोग अच्छी तरीके से ब्रश में अपने डाल लेंगे, एक्सेस हटा देंगे। एंड वी आर डन। ये ज़रा आप लोग जो हैं सनलाइट लुक भी देख लें। हमारे सारे एसेंशियल्स पैक भी हो गए हैं, इसमें जो है जो कुछ मैंने यूज़ किया है वही सब डाला है। उसके अलावा वी हैव आर टूथब्रश, वी हैव अ डिओड्रेंट, वी हैव माई टाचा का क्लेंजिंग बाम और बाकी वही सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी यूज़ किए हैं। ठीक है, ये सब हो गया, हेयर ब्रश हो गया, एक नाइट सूट हो गया, वही हमारे कपड़े हो गए, हमारा डाइसन हो गया, हमारी मिनी इस्त्री हो गई। ठीक है, ये एक छोटू सा परफ्यूम हम लोग रख लेते हैं, इसको सारा कपड़ों के बीच में डाल देते हैं। ठीक है जी, और क्या रह गया, चप्पल। चलिए चप्पल जो है इसमें डाल देते हैं अगर आ जाए तो। ये भी बस हमारी थोड़ी हेयर स्टाइलिंग स्टफ़ हो गया, ये हमारा हेयर स्प्रे, ये हमारी कंघी, ये हमारा मूस प्राइमर एंड आई थिंक वी आर डन जी। ये चार्जर जो है ना वो अली की जिम्मेदारी होते हैं, नमाज की चादर जो है मैं अपने पर्स में डालूँगा, रास्ते में जो है नमाज पढ़नी पड़े। मैंने सोचा थोड़ा नाश्ता किया जाए तो नथिंग टू हैवी, सोचा था अंडा खाऊंगी विद ब्रेड बट अंडा नहीं है, सो मैं सिर्फ खाऊंगी ये ब्रू की जो है ये सार्डो है टोमेटो एंड सनड्राइड टोमेटो एंड ऑलिव, इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा के खा लेते हैं एक टोस्ट में। थोड़ा सा जो है पानी भर लेते हैं। बेसिक सा नाश्ता है, दैट्स अबाउट इट। चलें जी, बाकी की भी जो है पढ़ाई हो गई है, आउच, ऑल डन। अब ज़रा मैं जल्दी से दो नफल पढ़ूँ और निकलूँ, 9:30 हो गए हैं, 9:45 के अराउंड आई हैव टू लीव। मुझे जब भी कोई एग्ज़ाम देना होता है या कोई भी बड़ा काम करने के लिए जाए तो ऑलवेज मेक श्योर कि घर से निकलने से पहले दो नफल पढ़ के जाऊँ एंड ये इस चीज़ ने मेरी इतनी मदद की है, इतनी मदद की है। ऑब्वियसली मेहनत भी करनी पड़ती है लेकिन फिर आगे आपको अल्लाह की भी थोड़ी बहुत मदद मांगनी पड़ती है, दुआएं मांगनी पड़ती हैं। जब भी मैं कोई कहते हैं ओरल एग्ज़ाम देने के लिए जा रही होती हूँ, कोई वाइवा देने के लिए जा रही होती हूँ तो टू ऑफ माई फेवरेट दुआज, ये देखनी आ गई मैडम, टू ऑफ माई फेवरेट दुआज, एक तो रबी जिदनी इल्मा ऑलवेज और दूसरी रबिश शाली। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा इन दुआओं का, बट ये बहुत 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 अच्छी दुआएं हैं एंड दे हेल्प मी सो मच सो मच। अगर आप इनका तर्जुमा ही पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा क्यों। मैडम मैडम चलें जी, लेट्स लीव। वहाँ से जो है अली और अम्मा मुझे पिक कर लेंगे, वहीं से हम लोग निकल जाएंगे हलोड़ के लिए। गाइस मैं अभी शफा से जो अपना वाइवा दे के फारिग हुई हूँ, मेरी गाड़ी के नीचे बड़ी थर्स्टी सी बिल्ली बैठी हुई थी तो मुझे कुछ मिला नहीं अपनी डब्बा शब्बा, एक कप पड़ा हुआ था तो उसमें मैंने पानी डाल दिया। अभी मैडम बहुत ज़्यादा पी के गई हैं, शक्ल सी बेचारी इतनी थर्स्टी लग रही थी।
चलें जी गाइस, एग्ज़ाम तो मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक अच्छा हो गया है. वील नो इन अ डे और टू के क्या सीन है. मैं जो हूँ, अली से मेरी बात हुई तो ही सर आप घर आ जाओ, कस मोटरवे वहाँ से पास है तो हम वहीं निकलेंगे, गाड़ी भी ड्रॉप हो जाएगी. आई वाज सुपर डुपर डुपर हंग्री, सो आई ग्रैब्ड बंस ऑन माई वे होम. और गर्म गर्म हो रहा है, बड़ा स्मेल है, खुशबुएँ आ रही हैं. तो चलें अब घर चलते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं. ये भाई, दिस इज माई बर्गर फ्राइज़. आई गॉट द प्लेन जेन अगेन. और इनके फ्राइज़ जो है ना भाई, सारी गेम जो है ना वो फ्राइज़ की है. उफ, मैं घर आ गई हूँ और ये साहब पहली दफ़ा अपनी पैकिंग खुद कर रहे हैं. रखो कहाँ, तो भागे गए. अब तो जा रहे हैं, यहीं रख के चले जाओ. नज़र पड़ती है, दिल करता है ना खाने का. अभी भी दिल कर रहा है. कोई बात नहीं, रख लो. अब क्या ढूंढ रहे हैं आप सर? अली, मैंने गाइस आप लोगों को सुबह दिखाया था मेरा सूटकेस कितना फुल था. अली बोल रहा था मेरा भी सामान उसी में डाल दो. मेरा कौन सा कोई सामान है यार, देखो पूरे सूटकेस में ही आया ना. इतने से सूटकेस उठाने में क्या जा रहा है आपका यार? ऐसी फजूल में एक्स्ट्रा लगेज लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अमेरिका जा रहे हैं हम. बोन बॉय. क्या जी गाइस, ऑल सेट टू लीव. ऐसे प्लानिंग हुई है जैसे पता नहीं क्या, दो हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं. अमेरिका दो दिन के लिए जा रहा है, दूसरे दिन हमें वापस आना है. टेक्निकली एक दिन मेरे जीसो लिए. हाँ. मैं जरा जल्दी से सनस्क्रीन रीअप्लाई करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे लगाए हुए, तो अब जो है रीअप्लीकेशन बनती है. ये जो है ए बिब की सनस्टिक है और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. बिलीव सनस्टिक्स के साथ जो है आपको 5 times या 3 times, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, करना पड़ता है 3 layers. संजय अली की चीखने की आवाज़ आना शुरू हो गई. भाई सो लेट्स गो. बच्चा सो जा. चले जी गाइस, हम लोग हलोड रवाना हो गए हैं और ये हमारी मॉडल को देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह. और आप लोगों से मुलाकात होती है हलोड में एक नई वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.